हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ स्मिता और मैं आज बनाने वाली हूँ छत्तीसगढ़ की सबसे फेमस रेसिपी अरसा की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। बहुत लोगों को ये लगता है कि इस रेसिपी को बनाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। मैं आपको इस रेसिपी की विधि इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, जिससे कि आप इस रेसिपी को आसानी से बना सकते हैं। तो इस रेसिपी को पूरा देखने के लिए वीडियो पर बने रहिए। अरसा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर चावल को 4 से 5 घंटे पहले भिगा लिया था। आप अरसा बनाने के लिए कोई भी चावल यूज कर सकते हैं, मोटा हो चाहे पतला। आप चाहे तो इसे रात भर के लिए भी भिगो कर रख सकते हैं और सुबह आप इसका अरसा बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर 4 से 5 घंटा पहले ही भिगाया है। हमने चावल को भिगाने से पहले ही अच्छे से वॉश कर लिया था। अब हमें और वॉश करने की जरूरत नहीं है। अब हम इसे पानी से छानकर निकाल देंगे। तो देखिए, हमने चावल को एक बड़े से छन्नी में छानकर निकाल लिया है। अब हम छन्नी को इस तरह से टेढ़ा करके रख देंगे ताकि इसके अंदर का पानी पूरी तरह से बाहर निकल जाए। इसके अंदर का पानी पूरी तरह से बाहर निकल चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसे पंखे के नीचे किसी कपड़े में इसे फैलाकर रख देंगे 1 घंटे के लिए, ताकि इसका पानी पूरी तरह से सूख जाए। अगर आप पंखे के नीचे नहीं रख रहे हैं तो आप इसे धूप में 1/2 घंटे के लिए रख सकते हैं। हमें इसे पूरी तरह से नहीं सुखाना है, बस इसका पानी हल्का सा सूख जाए। अगर हम चावल को पूरी तरह से सुखा देंगे तो अरसा हमारा अच्छा नहीं बनेगा और बहुत ज्यादा टाइट भी बनेगा। और देखिए, हमने चावल को पंखे के नीचे 1 घंटे तक सुखा लिया है और इसका पानी पूरी तरह से सूख चुका है। अब इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए, अब हम एक मिक्सर जार ले लेते हैं इसे पीसने के लिए, और हम इसे एकदम चिकना पीसेंगे, दरदरा नहीं पीसेंगे। अगर आपको लगे कि दरदरा है तो आप इसे छन्नी से छान भी सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक मिक्सर जार ले लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके चावल को डाल देंगे, और जार में हमने चावल को डाल दिया है। तो चलिए, अब हम इसे पीस लेते हैं। देखिए, मैंने चावल को पीस लिया है और हमने इसे एकदम चिकना पीसा है, देख सकते हैं आप। आपको भी ऐसे ही पीसना है। तो चलिए, बाकी के बचे हुए चावल को भी इसी तरह से चिकना पीस लेते हैं। और इधर देख सकते हैं आप, हमने पूरे चावल को पीस कर रेडी कर लिया है और हमने पूरे चावल को एकदम चिकना पीसा है। और देख सकते हैं आप, पीसने के बाद भी इसके अंदर नमी है, क्योंकि हमने इसे पूरी तरह से नहीं सुखाया था। और अरसा बनाने के लिए आटा हमेशा ऐसे ही रहता है, तभी हमारा अरसा अच्छा बनकर तैयार होता है। तो चलिए, इसे साइड में रख देते हैं। और हमने यहाँ पर अरसा बनाने के लिए 250 ग्राम के करीब गुड़ लिया है, जिसके हमने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। अरसा बनाते वक्त हमें ये ध्यान में रखना है कि जितना हमने चावल लिया है उतना ही हमें गुड़ भी लेना है। जैसे कि हमने 250 ग्राम चावल लिया है तो हम 250 ग्राम गुड़ लेंगे। गुड़ अगर कम हो जाता है तो अरसा खाने में भी अच्छा नहीं लगता और बहुत ज़्यादा टाइट बनता है। तो चलिए, इसे मेल्ट करने के लिए गैस पर एक कढ़ाई गर्म कर लेते हैं। हमने कढ़ाई पर गर्म होने के लिए रख दिया है। तो चलिए, अब हम इसमें गुड़ को भी डाल देते हैं। तो देखिए, कढ़ाई में हमने गुड़ को डाल दिया है। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। हम इसमें लगभग 1/2 गिलास के करीब पानी ऐड करेंगे और इसके बॉयल होने का वेट करेंगे। और जब ये बॉयल होने लग जाए, उसके बाद हम इसे चलाते हुए मीडियम फ्लेम में मेल्ट होने देंगे। देखिए, इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है। अब हम इसे इस तरह से चलाते हुए मेल्ट होने देंगे ताकि ये नीचे से बैठे ना। और देखिए, चलाते चलाते गुड़ हमारा पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है। अभी इसे थोड़ा और गाढ़ा करना है, अभी थोड़ा पतला है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि चाशनी को कितना गाढ़ा रखना है, तो आप इसे एक तार की चाशनी बना सकते हैं। और देखिए, एक तार की चाशनी हमारा बनकर तैयार है और ये चाशनी अरसा बनाने के लिए रेडी हो चुका है। तो चलिए, अब हम गैस की फ्लेम लो कर देते हैं और चावल का आटा, जिसने हमने पहले ही पीस के रख लिया है, उसे थोड़ा थोड़ा करके डाल लेते हैं और मिक्स करते जाते हैं।
आटा डालने से पहले हम इसमें थोड़ा सा तेल भी डाल देंगे और इसे चम्मच से अच्छे से चला लेंगे ताकि सभी तरफ अच्छे से मिक्स हो जाए। इससे अरसा का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो चलिए अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा आटा भी डालते हैं और इसे चलाते जाते हैं और देखिए इस तरह से आपको आटा को डालते हुए चलाते जाना है। इससे ज्यादा लम्स भी नहीं बनेगा। अगर आप आटा को एक साथ डाल देते हैं तो चलाने में बहुत दिक्कत होती है। और देखिए हमने आटा को चाशनी में बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया है, देख सकते हैं आप। और ये गर्म है तो इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से है और ये जैसे जैसे ठंडा होते जाएगा वैसे वैसे और ये और भी गाढ़ा होते जाएगा। और जब ये हल्का सा ठंडा हो जाए उसके बाद ही हमें अरसा बनाना स्टार्ट करना होता है। हमें इसे पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है क्योंकि ये हल्का गर्म रहता है तभी अरसा अच्छा बनता है। और देखिए इधर हमने अरसा बनाने के लिए कढ़ाई गर्म कर लिया है और इसमें ऑयल भी डाल दिया है। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है तो चलिए अब हम अरसा बनाना स्टार्ट करते हैं। और देखिए ये हल्का सा ठंडा होने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह से है। इससे हम आसानी से अरसा बना सकते हैं दोनों हाथों। अरसा बनाने से पहले हम दोनों हाथों में ऑयल या पानी लगा लेंगे ताकि आटा हमारे हाथों में चिपके ना। तो देखिए मैंने दोनों हाथों में ऑयल लगा लिया है। अब इसका छोटा छोटा लोई लेके इस तरह से हम बना लेंगे। तो देखिए मैंने एक अरसा बना लिया है। अब बाकी के अरसा भी सेम इसी तरीके से बनाएंगे और देखिए कितना अच्छे से फूल रहा है। और अगर अरसा एक तरफ से सिक जाए तो इसे दूसरे साइड से पलट लेंगे। तो देखिए मैंने अरसा को पलट लिया है। अब हम इसे दूसरे साइड से भी अच्छे से सिकने देंगे। और जो अरसा सिकते जाएगा उसे हम एक एक करके निकालते जाएंगे। और इस तरह से अलट पलट कर सेक लेंगे। और देखिए ये अरसा सिक चुका है तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं और इसी तरह से सारे अरसा को निकाल लेंगे। और देखिए सारे अरसा अच्छे से सिक चुका है तो अब हम बचे हुए सारे अरसा को भी निकाल लेंगे। और देखिए हमने सारे अरसा को निकाल लिया है और बाकी के बचे हुए अरसा को भी हम सेम उसी तरीके से बना लेंगे। तो देखिए हमने बाकी के अरसा को भी सेम उसी तरीके से बना लिया है। और देखिए हमने सारे अरसा बनाकर रेडी कर लिया है। और देखिए अरसा हमारा कितना फूला फूला बनकर तैयार हुआ है और देखने में कितना बढ़िया लग रहा है। आप भी इस रेसिपी को घर पर आसानी से बना सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे किसी भी त्योहारों में बना सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।